बीसीसीआई ने फिर से क्रिकेट फैंस को एक बार नाराज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने किया है T20 दौरे से MS धोनी को बाहर, और ये बाहर किया है ना तो उन्होंने कहा रेस्ट, कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा है कि MS धोनी T20 दौरे से बाहर, यानी वो रेस्ट नहीं है। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि MS धोनी का फैसला है, तो मेरे को नहीं लगता है MS धोनी का फैसला है, क्योंकि अगर MS धोनी का फैसला होता तो वहां पे आता कि रेस्ट ले रहे हैं MS धोनी। अगर MS धोनी का फैसला होता तो वो सीधा बोल देते भाई संन्यास ले लिया, चलो ठीक है बस खत्म। अब ये सीधा सा फैसला है BCCI का, तो आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या ये फैसला सही है क्या या फिर ये गलत है। जो भी है मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, एक बहुत ही बढ़िया तुम्हें पॉइंट रख के दूंगा कि क्यों ये फैसला सही है या गलत है। और इस वीडियो को जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी ट्विटर पे पोस्ट करता है वो क्या करे, वो मुझे टैग करे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और अगर ट्विटर पे करते क्योंकि ट्विटर में चलाता नहीं, तो तुम ट्विटर पे जो पोस्ट किया है उसकी एक फोटो लेके मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर फेसबुक पे, मैं दोनों की लिंक तुम्हें नीचे दे दूंगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम में से एक बंदे का अगली वीडियो में नाम आएगा, यानी स्क्रीनशॉट आएगा। अब बात करते हैं MS धोनी को बाहर किया वो सही है या गलत, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरा क्या मानना है, बहुत सारे क्रिकेट वाले कह रहे हैं कि सही है, बट पर्सनली आई थिंक गलत है। अब गलत क्यों है मैं बताता हूँ। विराट कोहली और धोनी दोनों कंपेयर करते हैं, चलो कंपेयर करके देखते हैं कौन बढ़िया है। अब यहाँ पे कोई भी विराट कोहली का हेट लवर है या धोनी का हेटर है, कोई भी ओफेंड मत होना, बस एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ मैं तुम्हें। विराट कोहली के जो रन है पिछले 17 मैचों में, विराट कोहली के रन थोड़े से ज्यादा हैं MS धोनी से, मतलब 50 का फर्क है, जो कि तुम्हें यहाँ साइड में दिखेगा, ठीक है रन कम है, बट इसका कारण क्या है, विराट कोहली आता है नंबर 3 पे, नंबर 2 पे वन डाउन आते हैं, और MS धोनी आते हैं कहीं 5वें 6वें नंबर पे, रन फिर भी बहुत ज्यादा कम नहीं है। प्लस में अगर तुम देखोगे तो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट, मतलब समझ नहीं आया क्या मतलब था ये। MS धोनी को तुम गलत कह रहे हो, यानी फिर तुम दिखा रहे हो कि MS धोनी अपने फॉर्म में नहीं है, तो यार ये स्ट्राइक रेट 2017 से 17 मैचों का दिखा रहे हैं कि पिछले 17 मैचों में, उसके अलावा तो कोई मैच खेला नहीं ना, ऐसा नहीं है कि कोई मैच छोड़ा है जिसमें धोनी का खराब प्रदर्शन रहा है, सारे मैच लिए हैं, फिर भी स्ट्राइक रेट बेटर, एवरेज भी बहुत बेटर है विराट कोहली से। एवरेज तुम्हें पता है क्या होता है, एवरेज ये होता है कि हर मैच के हिसाब से बनाया जाता है कि कौन, टोटल मैचों को निकाल के एक बनाया जाता है कि कितनी एवरेज है, यानी विराट कोहली से ज्यादा MS धोनी नॉट आउट लौटे हैं, विराट कोहली से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, बट विराट कोहली से ज्यादा एवरेज है। उसके बाद भी धोनी को बाहर किया गया है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई सही है क्योंकि धोनी फॉर्म में नहीं है। अब धोनी फॉर्म में नहीं है यार, तुम नंबर 4 पे उसको उनको खिलाते नहीं, उन्होंने जैसे ही कैप्टनसी छोड़ी थी उन्होंने एक चीज कही थी कि मैं नंबर अब थोड़ा ऊपर खेलना चाहता हूँ, तो यार तुम्हें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, उस बंदे ने इस देश को इतना मतलब दिया है, तो एटलीस्ट उन्हें 5-6 मैच तो खिलाओ 4 नंबर पे। विराट कोहली के बाद उन्होंने एक मैच खिलाया, उसके बाद अगले मैच में 6वें नंबर पे कर दिया, उसके अगले मैच में 5वें नंबर पे, और कल तो हद ही होगी। मानो ना मानो ऋषभ पंत से पहले हमें MS धोनी को आना चाहिए था, क्योंकि MS धोनी जो है वहां से गेम संभालते, अगर तुम ऋषभ पंत को पहले भेज रहे हो तो भाई सीधी सी बात है तुम यार एक खिलाड़ी का मनोबल डाउन कर रहे हो यार, सीनियर और जूनियर का कोई फर्क होता है ना। MS धोनी ने आज तक इतने मैचों में पहुंचाया है, मानो ना मानो विराट कोहली ठीक है रन चेजर बहुत ही बढ़िया है, बट MS धोनी जैसा फिनिशर जो मैच हमेशा फिनिश करके आता था, वैसा फिनिशर ना अब तक हुआ है ना मेरे ख्याल से कभी होगा, और हो भी गया तो बात की बात है फिलहाल तो कोई भी नहीं है MS धोनी जैसा फिनिशर। और तुम मानते हो ना मानो विराट कोहली के, दोनों का फैन बनने में कोई बुराई नहीं है, मैं दोनों का फैन हूं, बट जो सच है वो सच है, अगर तुम एक खिलाड़ी का मनोबल डाउन करोगे वो भी उस स्टेज में जब वो 37-38 साल का है, तो यार क्या होगा। अब तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें चांस देना चाहिए, जब तुम्हें पता है कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में, 4 नंबर पे खिलाओ, तुम 6वें नंबर पे भेज रहे हो, एक तो ये प्रेशर कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या, ऊपर से यहाँ पे फैंस लगे हुए हैं MS धोनी चल क्यों नहीं रहे, ऊपर से विराट कोहली के फैंस MS धोनी ये है वो है, तो भाई प्रेशर तो बनता है, भले वो बंदे के चेहरे पे दिखता नहीं है वो ठीक है, बट हर बंदे के अंदर प्रेशर होता है। देखो ये इतना आसान नहीं है, हालांकि MS धोनी के चेहरे पे तुम्हें दिखता है कैप्टन कूल, बट अंदर अंदर दिमाग तो चलता है ना, दिमाग तो सोचता है कि भाई आज आउट हो गया तो क्या होगा, और ये प्रेशर होने के बाद फिर धोनी से चलने की उम्मीद रखना तो गलत है, तुम समझते हो ये चीज, तुमने देख लिया ये भी। और जहां तक देखा जाए यार, एक तुम अगर T20 में तुम कह रहे हो कि खराब खेलेगा धोनी, तो यार तुमने शायद IPL नहीं देखा इस बार का, चेन्नई जिसमें जीती है, धोनी के 3-4 मैचों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो बाकी में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और जब भी जरूरत पड़ी धोनी 70-67 ऐसे काफी रन मार के गए थे, ऐसा नहीं है कि वो चले नहीं थे। तो IPL और माना IPL अलग चीज है, T20 अलग चीज है, वर्ल्ड कप बट है तो T20 फॉर्मेट ना, और धोनी बेस्ट है मानो ना मानो, जो चीज विराट कोहली नहीं कर सकते वो चीज धोनी कर सकते हैं, ठीक है विराट कोहली रन चेजर है अच्छे से रन निकालना जानते हैं, पर धोनी जैसे छक्के मारने की जो एबिलिटी है वो विराट कोहली में नहीं है। यंगस्टर को मौका देना चाहिए, बट कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में,
वहां गैंगस्टर को मौका देने का क्या मतलब है, तुम वेस्ट इंडीज दौरे पे दो ठीक है, और अगर ले जा रहे हो तो दो को ले जाओ, दो अगर हो जाएंगे विकेट कीपर तो क्या टेंशन थोड़ा हो जाएगी। और ऋषभ पंत को ऑलरेडी बहुत चांस मिल चुके हैं, ऋषभ पंत को चांस मिलना चाहिए, बट एमएस धोनी की जगह नहीं, मेरे को नहीं लगता कि एमएस धोनी का अभी कोई तोड़ है। अगर वो बैटिंग नहीं भी करवाते उनसे बढ़िया कीपर नहीं है, और प्लस बैटिंग क्यों नहीं कर पाते मेरी जान, एमएस धोनी से बढ़िया बैट्समैन ना तो आज तक आया है ना कभी आएगा। शुरुआत के 50 दिन के अंदर अंदर वो नंबर वन बैट्समैन हो गए थे सिर्फ अपनी डेब्यू के 50 दिन के अंदर, कोई मजाक की बात नहीं है। तो यार तुम एमएस धोनी को हल्के में ले रहे हो, ये बहुत ही गलत डिसीजन है। अगर अब एमएस धोनी का तुमने मनोबल गिराया और हो सकता है वो फॉर्म से इस खराब दौर से उभर नहीं पाए ना, तो वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। तो बस अब उम्मीद करता हूँ ये बीसीसीआई वाले देखें, मेरी वीडियो क्यों देखेंगे मेरे को पता है, बट एक छोटी सी राय रखी है मैंने कि नहीं एमएस धोनी को थोड़ा ऊपर आने का चांस दिया जाए, प्लस में T20 से ड्रॉप करना बिल्कुल गलत था। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम इस वीडियो को शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी और सब देखेंगे ताकि पता चले, कुछ सबको पता चलना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है एमएस धोनी के बारे में, इस डिसीजन के बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ, और साथ के साथ अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, साथ में बेल आइकन दबा देना। तो बाय बाय, शब्बा कैट, जय हिंद, हैव ए गुड डे।